आगे बढ़ते हैं। साध्वी यौन शोषण और हत्या के मामले में डेरा प्रमुख राम रहीम का पानीपत जिले में वर्चुअल सत्संग कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें भक्तों के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी हाजिरी लगाई। पानीपत नगर निगम की मेयर अवनीत कौर, सीनियर डेप्यूटी मेयर दुष्यंत भट्ट, डेप्यूटी मेयर रविंद्र, बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य लोकेश नागरू, 10 निगम पार्षद और कई बीजेपी के कार्यकर्ता इस सत्संग में नतमस्तक होते हुए नजर आए। इस सत्संग में पानीपत ग्रामीण के विधायक महिपाल ढांडा के भाई हरपाल ढांडा भी पहुंचे। वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से पार्टी के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र शाह के बेटे विपुल शाह भी यहां पर पहुंचे, लेकिन वो कार्यक्रम में 2 मिनट रुकने के बाद पंडाल स्थल से रवाना हो गए। मेयर अवनीत कौर ने कहा कि जहां से भी ज्ञान मिले जरूर लेना चाहिए। बाबा गुरमीत राम रहीम की वर्चुअल द्वारा सत्संग किया जा रहा है, जहां पानीपत के सेक्टर 13 ग्राउंड में सैकड़ों की तादाद में यहां जो श्रद्धालु हैं, जो उनके भक्त मौजूद है, मेरे पीछे देख सकते हैं, देखिए यहां हजारों की संख्या में जो है मौजूद। और सबसे बड़ी बात, निगम के जो पूर्व पार्षद है, विधायक है, पूरी नगर निगम की टीम यहां पहुंची हुई है। सीनियर डिप्टी मेयर और विधायक महिपाल ढांडा के भाई हरपाल ढांडा और कार्यकारिणी सदस्य भाजपा के लोकेश नागरू भी यहाँ मौजूद थे। यहाँ देखिए सैकड़ों की तादाद में कहें कि यहाँ मौजूद है, वहाँ पीछे महिलाएं भी काफी तादाद में मौजूद। अभी देखिए मैं दिखाऊंगा, यहाँ हजारों की तादाद में महिला मौजूद है जो बाबा गुरमीत राम रहीम के प्रवचनों को सुनने आई हुई है। राम रहीम जी की क्या कार्यक्रम किन लोगों ने यहाँ डेरा सच्चा सौदा से हजूर पिता संत सिंह जी पानीपत के ऊपर दया में रहमत की, जो कि आजकल आप सभी जानते हो बच्चे नशे में इतने घिर चुके हैं, बच्चा नशा कर रहा है आजकल। उन नशों को रोकने के लिए हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिनसा ने 144 मानवता के भलाई कार्य में हिस्सा हमें जो दिया है, हम उनकी प्रेरणा पर चलते हुए, डेरा सच्चा सौदा की प्रेरणा पर चलते हुए यहाँ पे 13-17 सेक्टर में हजूर पिताजी ने ये सत्संग रखा। कोई मंत्री और विधायक और सांसद भी आ रहे थे, क्या कारण हुआ कि वो नहीं है? वो आने वाले थे लेकिन उनको किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा। संजय भाटिया जी आने वाले थे, उनको जरूरी काम था लेकिन नहीं आ पाए। विज साहब जी आने वाले थे, उनको किसी जरूरी मीटिंग में जाना हुआ, वो भी नहीं आ पाए। सपा सांसद क्या कृष्णलाल पवार ने आना था? हाँ जी, कृष्णलाल जी पवार को भी बोल के आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि हम जरूर आएंगे। देखिए मैं आपको फिर बता दूं, ये इस कार्यक्रम में जहां राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद, विधायक सभी नहीं आना था, लेकिन नगर निगम के द्वारा सभी पार्षद, मेयर, डिप्टी मेयर, सीनियर एडिटर मौजूद थे। सीनियर डिप्टी मेयर, मेयर से जब बातचीत हुई, उन्होंने कहा ज्ञान कहीं से मिले ले लेना चाहिए। बहरहाल जिस प्रकार से कार्यक्रम इख्तियार किया गया है, आने वाले 2024 के चुनाव के वोट बैंक का भी एक मौजूदगी यहाँ हो सकती है। राकेश बैनर, जी मीडिया पार्टी। ये मैं तो ये कहना चाहूंगी, मेरी अपनी सोच ये है कि जहाँ से भी ज्ञान मिल रहा हो वहाँ पर जाकर ज्ञान को जरूर लेना चाहिए, क्योंकि हमें हर एक जगह से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो आज हम यहाँ पर, हमें बहुत आदर सम्मान से बुलाया गया था, तो हम नहीं मना कर पाए, हम यहाँ पर पहुँचे और संगत के हमारे दर्शन हुए। जो संगत का भाव है वो बिल्कुल, मैं कहूँगी कि बहुत साफ है, साफ मन से यहाँ पर सब बैठे हैं। हम जिस श्रद्धा भावना से आयोजकों ने हमें यहाँ आमंत्रित किया, तो हमने अपना कर्तव्य समझा कि हमें जाना चाहिए। कोई भी प्यार से बुलाएगा और मान सम्मान से बुलाएगा तो हम जाएंगे किसी भी कार्यक्रम में। ऐसी बात है, सत्संग चला हुआ है, लोग ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, महाराज जी उनको वो शिक्षा दे रहे हैं, अच्छी बातें बता रहे हैं, दारू छोड़ने की बात बताई, सबकी माता बहनों को अपनी माता बहनें समझने की बात बताई, भाई हर तरह की ज्ञान की बातें इन पे, जो जितना खरा उतरेगा अपने जीवन को अच्छा कर लेगा, बहुत अच्छी बात है। देखिए 2024 भी आएगा, 2029 भी आएगा, उसके अंदर कोई संकोच नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन की सरकार रहेगी, लेकिन ये एक धार्मिक स्थल है और इसके अंदर प्रत्येक व्यक्ति का एक अपना बनता है कि वो उस कार्यक्रम में पहुंचे, सम्मिलित हो, कोई अच्छी चीजें सीखने को भी मिले। ठीक दिया जी, नशे से छुटकारा पाने के लिए नाम दान दिया। पंडाल में तो हम जाते हैं,
पहले भी जाते थे, अब भी आए हैं। कितने महीनों बाद आए हैं? कितने महीनों बाद हम तो जा रहे हैं लगातार से।